मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मानपाड़ा पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध देसी शराब बनाने वालों का भंडाफोड़ किया है। 2019 लोकसभा चुनाव में ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर अवैध रूप से देसी शराब बनाए जा रहे थे। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर देसी शराब बनाकर कहाँ सप्लाई किया जाना था, मगर इस अवैध रूप से देसी शराब बनाए जाने की गुप्त जानकारी मानपाड़ा पुलिस स्टेशन को लगी, जिसके बाद कल्याण सिरडोड़ गांव के पास जंगल के इलाके में मानपाड़ा पुलिस निरीक्षक दादा हरी चौरे, उप निरीक्षक संदीप सिंगटे अपनी टीम के साथ कल्याण सिरडोड़ गांव के पास जंगल में अवैध शराब बनाने वाली जगह पर शाम करीब 7 बजे के दौरान छापेमारी की। इस छापेमारी में अवैध शराब बनाने वाला विष्णु हरि पाटिल सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसके तहत उन्होंने एक गुप्त आदमी भेज के और कंफर्म किया और आज सुबह उन्होंने वहाँ पे रेड की तो रेड में हमारे 8.5 लाख का दारू और कच्ची दारू मिली है। तो कच्ची दारू जो है वो वहीं पर नष्ट की गई है, बाकी का जो माल है और जो तैयार दारू है वो दोनों जब्त करके पुलिस स्टेशन में ला दी गई है। आरोपी जो है वो पुलिस देखते ही भाग निकला है, लेकिन हमको विश्वास है एक दो दिन में हम आरोपी जरूर अरेस्ट करेंगे। पुलिस ने जो अवैध शराब बनाकर वहां रखे हुए थे उन्हें नष्ट कर दिया है और बड़ी संख्या में ड्राम, काला गुड़, यूरिया, रसायन जैसे शराब बनाने के काम में आने वाले कई सामान जब्त किए हैं। पुलिस ने कुल 8 आरोपियों पर 328/34 सह महाराष्ट्र दारू अधिनियम 65 के तहत मामला दर्ज कर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।